सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एतमाद दौला, जो एक मकबरा है और ये ताजमहल से पहले भी बना था, और बाकी की जानकारी आपको पूरी वीडियो में मिल जाएगी, देखिए एंजॉय करें। दोस्तों एतमाद दौला क्या है, यही बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ कि एतमाद दौला एक मकबरा है जो देखने में बिल्कुल ताजमहल की तरह है, मतलब ताजमहल का छोटा रूप लगता है, क्योंकि इसकी कार्यशैली बिल्कुल ताजमहल जैसी है। और इसको सन 1622 में बनवाना शुरू किया गया था, इसके बनने में करीब 6 साल का अर्सा लगा था, और ये 1628 में बनकर तैयार हुआ था। इसको इनकी बेटी नूरजहाँ ने बनवाया था, जो जहांगीर की बीवी थी। इनका नाम एतमाद दौला कैसे पड़ा, दरअसल ये अकबर के महल में उच्च अधिकारियों में थे। इनका अच्छा काम देखकर अकबर बादशाह ने इनको एक, जिसको एक तोहफा गिफ्ट कहते हैं, उसके रूप में इनको इनका नाम दिया गया था एतमाद दौला, जिसका अर्थ होता है सल्तनत का खंबा। इनका जो असली नाम है वो मिर्ज़ा गियासुद्दीन बेग, इनका मिर्ज़ा गियासुद्दीन बेग नाम था। इसका आर्किटेक्चर और वो देख के शाहजहाँ इससे इतना प्रभावित हुए थे कि इसका, इसको मतलब इसको देखकर इनके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना ताजमहल बनवाया जाए। ये भी बिल्कुल वाइट संगमरमर से बना हुआ है, बिल्कुल इसीलिए इसका नाम बेबी ताजमहल रखा गया है, ताजमहल का बच्चा। जैसे ताजमहल में दोनों तरफ मस्जिद नुमा इमारत बनी हुई है, इसमें भी दोनों साइडों में बनी हुई है इमारतें, और दोनों साइड में ये बगीचे टाइप के बने हुए हैं। जैसे वो नदी के किनारे बनाया गया था, ऐसे इसको भी नदी के किनारे ही बनाया गया है, बिल्कुल उसमें झरना है, इसमें बीच में झरने का पानी बहता हुआ, यहाँ से झरने का पानी बहता था। लाल पत्थर से है, और जो मेन मकबरा है वो वाइट मार्बल का है। जब मैं यहाँ गया था काफ़ी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जबकि सितंबर का महीना है, फिर भी काफ़ी गर्मी। इसकी दीवारों पर जो कार्यशैली है बिल्कुल ताजमहल जैसी है, बिल्कुल वैसे ही दीवारों पर नक्काशी वगैरह सब, जालियाँ सब बिल्कुल ताजमहल जैसी बनाई गई हैं। बिल्कुल ताजमहल जैसी जालियाँ हैं इसमें, और इसका मेन दरवाज़ा है मकबरे के अंदर जाने का। अब तो काफ़ी ख़राब हो चुका है, इसकी प्रिंटिंग वगैरह और इसकी पेंटिंग्स वगैरह जो हो रही थी। किसी टाइम में इसमें टोपाज वगैरह, हीरे वगैरह बहुत आइटम लगे हुए थे, जो सब ब्रिटिश टाइम में सब हटा दिए गए इसमें से।
इसके कलर वगैरह आज भी ऐसे ही है, दिखती है जैसे पहले थे। यह मैन मकबरा मिर्ज़ा गयासुद्दीन बेग और उनकी वाइफ का। अंदर भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स की गई है। इसके फर्श को भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है, बहुत खूबसूरती के साथ। उस ज़माने में कोई मशीन नहीं थी, कुछ नहीं था, फिर भी इतनी प्यारी कटिंग। ये देखने में लकड़ी का सा लगता है, लेकिन है ये पत्थर का जो कब्रगाह बनी हुई है इनकी। दोनों तरफ बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करी गई है। चारों तरफ बहुत अच्छी तरीके से ये सब पेंटिंग्स, उस टाइम के कलर आज भी फीके नहीं पड़े हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रहे हैं, जबकि इसको पूरे 390 साल हो चुके हैं बने हुए। उस ज़माने में इसकी छत पर भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स होगी। आज भी फर्श ऐसा लगता है जैसे अभी बना है। दोस्तों ये नूर जहाँ के भाई और भाभी की कब्र है, जिनका नाम असफ खान था। ऐतिहासिक इमारतों पर जाने पर कुछ अजीब सी फीलिंग्स होती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे हम उस दौर में वापस लौट जाएं जब ये सब कुछ हुआ था, लेकिन पॉसिबल नहीं है। जिस तरह ताजमहल के गेट पर चारों तरफ अरबी की सूरतें लिखी हुई हैं, इसी तरीके से इस कब्र पे भी सूरत लिखी हुई है। अभी तक इनके कलर में या उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया है, ऐसा लगता है जैसे कुछ 15-20 साल पुरानी बनी हुई इमारत हो। आज के दौर में जो काम मशीनें नहीं कर पाती हैं वो लोग हाथों से किया करते थे, अपने हाथों से बनाए हुए औजारों से, जिनको बनाने में कितना वक्त लगता होगा। और अब चलते हैं इस मकबरे के पीछे वाली एरिया में। यहाँ इस बिल्डिंग में जब आप आएंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा एहसास होगा जैसे कूलर चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल बहुत सुकून मिला था यहाँ पर आने पर, ऐसा लगता है बस आराम से बैठ जाओ। बहुत ही ज़्यादा
इसको कहते हैं पीस, बहुत सुकून है यहाँ पर। अब तो काफ़ी बुरी हालत हो गई है इसकी, जब ये बना होगा तब बहुत खूबसूरत होगा। ये पीछे यमुना नदी बह रही है, जो अभी बरसात का मौसम गया है इसलिए काफ़ी फुल चल रही है यहाँ की यमुना। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर ही कंप्लीट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी।